तो वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरी नई वीडियो पर। मैं सनी जसवाल, सनी जसवाल फिटनेस से। कैसे आप सब लोग? तो आज यहाँ पे बात करेंगे जो पुलिस भर्ती में होने वाले 5 इवेंट की, जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी आज से आने वाले समय तक। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि पहली बात तो अब जैसे कि फॉर्म का डेट आगे बढ़ चुका है, जिसका डेट है, लास्ट डेट है आपका 6 मार्च है। वो मतलब उस डेट तक आपको फॉर्म डालना है। ओके, लेकिन फिजिकल का तैयारी आपको बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ना नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो डेट है ये बढ़ते रहेगी, कोई इसका कोई फिक्स नहीं रहता। नहीं, आजकल कोई भी भर्ती, अगर कोई भर्ती मैं तो बोल रहा हूँ 1 साल में अगर हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब सरकार ने बहुत ही फास्ट काम किया है, क्योंकि बीते समय से देखा जा रहा है कि कोई भी भर्ती बिना विवादों के होती नहीं है। उसमें विवाद होते रहते हैं, कोर्ट कचहरी दुनिया भर का चीज़ लग रहता है, लेकिन मेरा मानना है कि इस भर्ती में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये भर्ती फेयर होगी और क्लियर होगी, और जहाँ तक 2024 के लास्ट तक के पूरी ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो आप कोई भी जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट है जो फिजिकल देंगे, वो बिल्कुल भी अपना तैयारी ना छोड़े। ओके गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पे 5 इवेंट की। तो 5 इवेंट का तैयारी आप यहाँ पे कैसे करें? तो आपको जो 5 इवेंट में आते हैं, शॉर्ट पुट, गोलअप, ये सॉरी 100 मीटर शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप और 800 मीटर। ओके, तो ये जो जितने भी गेम है इसमें बहुत बड़ा अंतर भी है। पहली बात तो मैं बता दूँ, इसमें से जो 4 गेम हैं, गोलअप फेंक, लॉन्ग जंप 100 एंड हाई जंप, ये जो है आपके है 4 जो है ये आपके शॉर्ट पीरियड गेम है, मतलब इसको बोलते हैं पावर गेम। और जो एक इवेंट है ये आपका होता है 100 मीटर का होता है, जिसमें स्टेमिना की ज़्यादा पड़ती ज़रूरत। लेकिन वहीं पर जो 4 इवेंट है ये पूरे पावर, मतलब आपके टेक्निकल इवेंट है और इसमें पावर बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपके पास टेक्निक नहीं है तो आप इस इवेंट पे बिल्कुल भी नंबर नहीं खींच पाएंगे। आपके पास स्टेमिना है तो आप बिना किसी कोच के भी आप 800 में नंबर खींच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं, आप इसमें भी बिना कोचिंग के कहीं भी जाकर अपने से भी पर्सनल अगर YouTube में भी किसी का वीडियो देखे तो उसको फॉलो करके भी आप नंबर खींच सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको कितना समय देना है। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट पुट की, गोला फेंक की बात करते हैं। तो कमेंट्स आता है कि सर हम गोला रोज़ फेंके कि कभी कभार, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गोला को फेंकिए कम, उसका वर्कआउट आप ज़्यादा कीजिए। अगर आपको फेंकना है तो सिर्फ हफ्ते में आप 2 बार शॉर्ट पुट को फेंकिए। ओके, उसमें भी 2 दिन से 3 दिन का गेप होगा। ओके, उसके वर्कआउट आप ज़्यादा कीजिए। दूसरा आता है आपका हाई जंप। हाई जंप पूरा और का पूरा फ्लेक्सिबिलिटी का खेल है, जंप का खेल है और यहाँ पावर लगता है। ओके, तो इसमें आपको जंप की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। मेरा मानना है कि हाई जंप के लिए कम से कम 10 प्रकार के जंप होते हैं, वो 10 प्रकार के जंप आपको सीखना होगा, तब आपको किसी भी इवेंट में करने में आसानी जाएगी। आपका रनवे रनिंग के हिसाब से नहीं होगा, इसमें लॉन्ग जंप का रनवे अलग होता है और हाई जंप का रनवे अलग होता है। लॉन्ग जंप में स्पीड से दौड़ के आते हैं और हाई जंप में स्टेप बाय स्टेप भाप के आते हैं। ओके, उसके बाद जो आपका आता है, यहाँ पे आता है आपका लॉन्ग जंप का। ठीक है, लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा मायने यहाँ पे ये रखता है कि आपका यहाँ पर 30 मीटर से लेकर 50 मीटर तक की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, स्पीड टॉप लेवल की होना चाहिए। अगर ये स्पीड आपकी टॉप लेवल की नहीं है तो आप लॉन्ग जंप उतना अच्छे से नहीं मार पाएंगे। और सेकेंड है कि आपके जो लैग है इसमें पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अगर लैग में आपके पावर नहीं रहेगा या थाई में या आपके बट में, तो आप उतने अच्छे से लॉन्ग जंप नहीं मारेंगे। और अगर ज़्यादा ज़ोर से टेकअप को मार दिए, टेकअप बोर्ड जो रहता है वहाँ पे वाइट रंग का होगा, आप जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा एक लकड़ी की पट्टी रहती है, उसको बोलते हैं टेकअप बोर्ड, तो वहाँ से आपको पैर रख के मारना रहता है। ठीक है, तो अगर दिक्कत हुआ तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजरी भी आ सकती है। ठीक है, तो और चौथे नंबर पर वहाँ पर बात करेंगे लॉन्ग जंप के लिए, आपको ब्रॉड जंप की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और सिंगल लेग वर्कआउट, राइट एंड लेफ्ट अल्टरनेट, वहाँ पे आपको जंप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 100 मीटर का। तो 100 मीटर में ऐसा है गाइस, आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा 50 से 60 मीटर का रिपीटेशन मारना पड़ेगा, और ये शॉर्ट हो गया। और लॉन्ग में आपको 120 से 150 मीटर का रिपीटेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको मारना पड़ेगा। अगर ये रिपीटेशन आप मारते तो आपका 100 मीटर बहुत जल्दी कवर होता है, और इसमें आपको अपने थाई और अपने एंकल का
बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जो सांस की जो रिदम होती है उसके तालमेल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गया आपके 4 इवेंट, ओके, जो कि पावर इवेंट में आते हैं। अब बात करते हैं 800 मीटर की। तो 800 मीटर में ऐसा है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ स्टेमिना का खेल है, क्योंकि जो खेल मैक्सिमम 1 मिनट के ऊपर चला जाता है उसको वो आ जाता है खेल आपका स्टेमिना में। तो अब रही बात है कि 800 में छत्तीसगढ़ पुलिस में 2 मिनट मांगा है, तो आप इसमें ज़्यादा प्रयास ना कीजिए, क्योंकि आप बहुत प्रयास भी करेंगे तो भी आप 2 मिनट में नहीं आ पाएंगे। मैं आपके मनोबल को कम नहीं कर रहा हूँ, एक अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के टॉप एथलीट है, मेरा मानना है कि अभी भी वर्तमान में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में ऐसे 1-2 ही प्लेयर होंगे जो 2 मिनट के अंदर दौड़ते होंगे, वो भी उनका भी टाइमिंग 1 मिनट 59 सेकेंड 58 सेकेंड के सराउंडिंग आसपास आता होगा। तो आप एथलीट नहीं हैं, आप भर्ती वाले हैं, आप नॉर्मल जो सेकेंड नंबर है 14 नंबर 2:30 का नंबर है उस पर ध्यान दीजिए, उसको आप 2:30 2:25 2:29 2:20 तक के मैक्सिमम 2:20 तक के उसको आप टारगेट में लीजिए, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, नंबर मिलना नहीं है, आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। मिलेगा आपको 14 ही नंबर, अगर आप 2:10 में भी आते हैं तो भी आपको 14 मिलेगा, 2:29 में आते हैं तो भी आपको 14 मिलेगा, तो उसमें ज़्यादा आप समय लॉस ना कीजिए, ओके। अब टेक्निकली बात की जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपका मेन है 4 इवेंट, तो 4 इवेंट में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, समय देना, ठीक है। आपको हफ्ते में 6 दिन प्रैक्टिस करनी है और ये सब इवेंट को बारी बारी बार देना है। जैसे मैंने बताया कि आपको शॉर्ट पुट फेंकना है 2 दिन, लॉन्ग जंप करना है हफ्ते में सिर्फ 1 दिन। हर दिन लॉन्ग जंप करेंगे तो आपको शिन पेन में दिक्कत हो जाएगा, अभी शिन पेन के बारे में भी बात करेंगे आगे के इसमें वीडियो में। और आपका आता है हाई जंप हफ्ते में सिर्फ आप 2 बार कीजिए, वो भी अधिक से अधिक, सबकी जंप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। आप रनिंग आप 100 आपको रोज़ नहीं दौड़ना है, आपको 10 मीटर 50 मीटर 80 मीटर 120 मीटर बीच बीच में दौड़ना है, वो भी हर 2 दिन के गैप में, ओके। 800 मीटर की प्रैक्टिस आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है, 1 दिन संडे लीजिए आप, 6 दिन प्रैक्टिस कीजिए। बॉडी को रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके खान पान के हिसाब से, क्योंकि नॉर्मल मेरा मानना है कि यहाँ पर नॉर्मल मध्यम वर्गीय और थोड़ा सा गरीब तबके के लोग ही अधिकतर इस भर्ती में आएंगे, जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं थोड़ा सा खान पान की, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप क्या खाते करके, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल दाल सब्जी रोटी ही खाता हूँ, थोड़ा बहुत दूध पी लेता हूँ और दाल पानी के साथ ही, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर चलो आपकी बात की करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। आपके सिंपल डाइट में मैं बता दूँ, अगर आप सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले आप 1 लीटर तो पहले पानी पी लीजिए। अगर पानी आप तांबे के लोटे में पीते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मात्र 1 से 2 किला आप रोज़ सुबह खाएंगे तो आपका जो डाइजेशन है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप 1/2 चम्मच शहद पी सकते हैं, ओके, शहद मार्केट में आपको मिल जाएगा किसी भी कंपनी का अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है, या आप गाँव भोल के लोग हैं तो आपको वहाँ भी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप चना भिगो के रात में रख लीजिएगा, लेकिन अब ऐसा है कि चना भिगोने से भिगो के खाने से अच्छा है जो देसी चना मार्केट में मिलता है उसको आप खाइए अंकुरित करके, ठीक है। अंकुरित करेंगे तो उसका जो पावर रहेगा ये डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो इसको आप समझिए कि उसका पावर को बढ़ाना है, तो जब अंकुरित चना आप खाते हो तो उसका 10 गुना ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलता है। उसके बाद आता है आपका दाल पानी। अगर कोई भी कैंडिडेट अगर दूध मिल्क या दूध दही एफर्ट नहीं कर सकता, जो कि मार्केट में 40 रुपये के आते हैं, तो आपके घर में नॉर्मल दाल बनती होगी, तो दाल पानी आप पीजिए, आपको उसमें भी पर्याप्त प्रोटीन मिलेगा, ये श्योर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। और यहाँ पर आता है फिर आपका सोयाबीन की बड़ी। हाई प्रोटीन सबसे ज़्यादा याद रखिएगा सोयाबीन में ही मिलता है, आपके जो मार्केट में मिलते हैं प्रोटीन पाउडर उसमें भी सोया मिल्क या सोया से ही आपके प्रोटीन बनते हैं। सोया चंक आप लीजिए, उसको खाइए, हर रोज़ ना खाइए, गैप करके खाइए, तो दिक्कत होगा डाइजेशन में, ओके दोस्तों। उसके बाद आप नॉर्मल और कोई भी जो आप खाना खाएंगे, अधिकतर क्या करते हैं अपन 2 टाइम खाना खाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 टाइम खाना नहीं खाता, मैं खाना को खाता हूँ 4 टाइम। आप लोग क्या करते हैं, खाना को खाए और यहाँ तक खा लिए गला तक, उसके बाद क्या हुआ, शरीर पूरा आलसी हो गया और उसको पचने में 4 से 5 घंटे लग गए, ठीक है। मैं खाना को यहाँ तक ना खा के नॉर्मल अपने पेट के नीचे तक ही नॉर्मल भाग में खाता हूँ, ताकि वो खाना शरीर में लगे और ज़्यादा मेरे को आलसी ना आए। आप गौर कीजिएगा, जब आप खाना खाते होंगे
तो यहाँ पे उस समय आपको थोड़ा सा आलसी लगता होगा, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं नॉर्मल खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, चबा चबा खाता हूँ और उसको बार बार खाता हूँ। हर मतलब 4 घंटे में 3 घंटे में खाता हूँ और भी बीच बीच में कुछ ना कुछ ले लेता हूँ। और मैं चाय तो ऐसे पीता नहीं हूँ, मैं चाय पीऊँगा तो गुड़ की चाय पीऊँगा अधिकतर, या कभी कभार मैं मूड हुआ तो बाहर जाके मैं कॉफ़ी भी एफोर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर है खान पान को उतना माइंड तो करना है, लेकिन उतना ज़्यादा माइंड नहीं करना कि अब कई लोग बोलते हैं कि मेरा स्थिति ठीक नहीं है, मैं खान पान नहीं किया इसलिए मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है और या तो शरीर में कमजोरी आ गया है। मैं आपको बता दूँ, आपका मेन है यहाँ पर ब्रेन। अगर आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपने बनाया है, ठीक है, ये ब्रेन आप बनाओगे या तो आपका जो कोच है, ठीक है, वो बनाएगा, या तो आपका जो अच्छा खासा जो पार्टनर है वो बनाएगा। मेरा मेन पॉइंट क्या है, मेरा जो ब्रेन है इसको मैंने ऐसा सेटअप किया है कि मैं कम खाने में भी अपने आप को मैनेज कर लेता हूँ। अगर मैं 4 से 5 घंटा भी सोता हूँ तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। ओके, सराउंडिंग जो मुझको जानते होंगे, पहचानते होंगे, वो जानते हैं कि मेरे बारे में। तो आपको अपने आप को यहाँ से मजबूत करना है, ठीक है, और जो फिजिकल चल रहा है इसको आपको बिल्कुल अभी रोकना नहीं है, कंटिन्यू चलने दीजिए। कई अफवाहें आएंगी, चाहे इसमें बोलेंगे कि भर्ती नहीं होगा, लेट होगा, फिर कोर्ट में चला जाएगा, फिर कोई बोलेगा कि पैसा चल रहा है इसमें, दुनिया भर की चीज़ आपको भटकाने के लिए आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 5000 से ज़्यादा पोस्ट है, अगर आप मेहनत करेंगे आपका लगना श्योरली है। ठीक है, यहाँ वहाँ की बातों में ना आइएगा, और कोई भी डाउट रहे तो पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स बॉक्स में। और रही बात अब पेन की, अब जो नए नए हैं, जितने बिगनर हैं उनको समस्या आती है सीन पेन की, थाई पेन की, ठीक है, बात सीन पेन करते हैं। सीन पेन कोई बीमारी नहीं है, ये जो भी बिगनर आएगा यहाँ, तो बिगनर की तो बात मैं छोड़ो, जो कुछ समय ग्राउंड में गुजार लेते हैं, 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल तक, उनको भी सीन पेन होता है। सीन पेन होने का मेन कारण है कि आप जो जैसे रनिंग करते हो या जंप करते हो तो जो पाँव को रखने का जो तरीका होता है सरफेस में, इसका समय का दिक्कत होता है। आप थब थब आवाज़ करते हो जबकि आपका आवाज़ आ जाए टक टक करके, तो रनिंग करते वक्त की साउंड अलग होगी, जंप करते वक्त की साउंड अलग हुई। और आप गलत तरीके से, जैसे आपके पास गाड़ी है, आप गलत तरीके से ब्रेक मारेंगे बार बार तो उसका चक्का ख़राब होगा, तो वैसे ही आप अगर गलत तरीके से अपने पैर को ज़मीन पर रखेंगे तो आपका पैर ख़राब होगा। तो वही से एक बीमारी, सॉरी बीमारी नहीं हो रहा हूँ मैं, एक समस्या होती है जिसका इलाज है, उसको बोलते हैं सीन पेन, और इसको सीन स्प्रिंट भी बोलते हैं। ओके, आप कुछ मत कीजिए, एक गर्म कपड़ा रखिए और इसमें बर्फ़ धीरे धीरे सेकते रहिए, ठीक है। अपने वर्कआउट को हल्का सा कम कर दीजिए, मार्केट में आपका सी का भी आता है कुछ, और मतलब ये सीन पेन का पट्टी वट्टी आता है, बैंड आता है, आप इसको नॉर्मल एफर्ट कर सकते हैं। इसमें मेन है आपका आइस और आपका स्ट्रेचिंग, आप जितना हो सके शरीर में ऑक्सीजन भरिए, उसके थ्रू उसमें तो जो आई है जकड़न वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। थाई पेन आता है, थाई के लिए आप मसाज आराम से ले सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या की जो बिगनर है वो कहते हैं कि सांस का समस्या है सर हमको, तो सांस का भी ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट टाइम एक कैंडिडेट आया था मेरे पास कुछ समय के लिए, तो मैंने उसको सिर्फ 2 चीज़ बोला कि आप अनुलोम विलोम कीजिए और आप कपाल भर्ते कीजिए। अगर आप अनुलोम विलोम और कपाल भर्ती करते हैं, आपका सांस का प्रॉब्लम गारंटी है आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है इसमें कि आपको सूर्य नमस्कार करना है। अगर किसी भी नए आदमी को, अभी जो यहाँ बात चल रही है, जो एकदम फ्रेशर है, जो पुलिस भर्ती के लिए आया है, उसको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो उसको उतना स्ट्रेचिंग नहीं आता, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर सूर्य नमस्कार आता है, या यूट्यूब में या किसी कहीं भी जाएंगे आप योग गुरु के पास, या कहीं भी खासतौर पर यूट्यूब में, कोई मुश्किल नहीं होता, आप डेली सुबह उठ के कम 10 बार सूर्य नमस्कार करेंगे, आपका बॉडी पूरी तरीके से खुल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें पूरा बॉडी आपको खुल जाएगा और इसमें हष्ट पुष्ट हो जाएगा, आपके बाहें, आपके शोल्डर, आपके थाई, आपके गर्दन, आपकी श्वास नली सब एक नंबर की ओपन हो जाएगी, ठीक है। और बताइए समस्या जो भी होगा, लेकिन आप मतलब इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यहाँ पे आपको मेन जो खेल आएगा आपका रहेगा पेशेंस का। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, ठीक है। और रही बात चोट की, तो यहाँ पे चोट आएगी और जाएगी, ये चोट आपकी लास्ट तक की रहेगी, ये ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि आप बिगनर है, आपको उतना अच्छा कोच या गुरु नहीं मिला है, और अगर मिल भी जाएगा तो चोट आपका लगेगा,
इसलिए बाम अपना पट्टी तैयार रखिए और इसको अपना एक सहारा, जो आपको चोट लगे है वह आपका एक दोस्त है समझ जाइए, ठीक है। इसके साथ अभी कुछ समय गुजारना सीखिए। लास्ट टाइम ऐसे ही भर्ती में फिजिकल में 90% लोग चोट में गए थे फिजिकल दिलाने, फिर भी अपने एफर्ट से उन्होंने अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी की थी। लेकिन अभी आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, अभी भी आपको कम से कम 3 महीना मिलेगा। आपको अगर लगता है कि आप 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में फिजिकल सीख लेंगे किसी के भी पास जाकर, तो आप थोड़ा सा बेकूफाना हरकत कर रहे हैं या तो आप सोच रहे हैं। 1-1.5-2 महीने में कुछ नहीं होता। यहाँ लोगों को साल साल भर लग जाता है इम्प्रूवमेंट करने में। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि गोला में 8 मीटर फेंके और 8 को 9 फेंकने में, 9 फेंक भी नहीं पाए अभी तक के, वो को 6 महीने लग गया, 8 महीना, 1 साल लग गया है। आके पूछते सर कैसे बढ़ेगा। रनिंग में वो 14 सेकेंड के पास आके रुक गए हैं, लॉन्ग जंप में 5 मीटर के पास आके रुक गए हैं। ये उनकी बात कर रहा हूँ जो कम से कम 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। 800 में ही वो 2:50, 2:40 में आके रुक गए हैं, उनका 2.5 मिनट के अंदर नहीं आ पाता, ठीक है। और 2 मिनट की तो सोचिएगा भी मत। वैसे ही हाई जंप हो गया कि 2 स्टेप 3 स्टेप में ही, या 4 तक पहुंच गया तो 5वां स्टेप उनका नहीं ले पा रहा है, तो आपको भी वैसे ही समय देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप ईमानदारी से अभी भी, मुझको लगता है कि अभी भी आपको कम से कम 3 महीना और मैक्सिमम 5 महीना 6 महीना मिलेगा, तो इस जो समय ड्यूरेशन आपको दे रही है सरकार उसका फ़ायदा उठाइए। क्योंकि अचानक जब फॉर्म डलेगा उसके बाद सरकार अचानक एक फिजिकल का एक शेड्यूल को लॉन्च कर देगी, आपको 20 से 25 दिन मिलेगा, संभलने का कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। इस चीज़ को आप गौर कीजिए, गार्ड बांध लीजिए, ठीक है। तो उसको माइंड में आप रखिएगा, आपको रुकना नहीं है किसी के भी बहकावे में आके, अपना प्रैक्टिस करते रहिए। और उन लोगों के लिए जो अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, जो कर दी है, तो अपने शरीर को बचा के चलिए। जैसे कुछ एथलीट है, कुछ भर्ती वाले हैं जो कम से कम 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 8 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका फिजिकल लगभग 80 के पास आ गया है, तो उनको मेरा मैसेज है कि अब ज़्यादा आप हड़बड़ाइए मत, एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए और शरीर को, फिजिकल को कम कीजिए और शरीर को बचा के चलिए। क्योंकि आप जो 80 नंबर के लायक हो गया है उनका लगभग होना तय है, बॉयज़ की बता रहा हूँ। रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स में अगर कोई लड़की 60 नंबर ला लेती है फिजिकल में, तो उसका भी लगभग होना तय है। क्योंकि डीएफ पुलिस की भर्ती 5 मिनट की इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, वो 50 नंबर बहुत दूर की बात है, 40-30 नंबर पानी पाती, इसमें क्वालिफाई करना पड़ता है 50 नंबर, तो लड़कियों का सबसे ज़्यादा मुश्किल जाता है। तो अगर कोई लड़की फिजिकल पास कर लेती है 55 से 60 नंबर भी, तो भी उसका लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर वो पेपर में आराम से 60-70 नंबर ला के एक पोस्ट पा सकती है। ओके दोस्तों, तो आपको फिर से बोल रहा हूँ, भटकना नहीं है किसी भी चीज़ में, कंटिन्यू बने रहिए और एग्ज़ाम का भी तैयारी साइड में करिए। क्योंकि हो सकता है कि अब, क्योंकि एक समय था कि कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं था, लेकिन अब समय आ गया है मेरे देखते में भी, अब हर कोई पढ़ता है, ठीक है। मैं सनी जायसवाल यहाँ जहांगीर में रहता हूँ, पुलिस ग्राउंड में मैं भी सिखाता हूँ, तो अगर किसी को ट्रेनिंग लेना हो तो यहाँ हमारे पास आ सकता है। लेकिन यहाँ ग्राउंड में एक और सर है, उनका नाम है यादव सर, वो भी बहुत अच्छा सिखाते हैं। उनके पास अच्छी चीज़ है कि वो बेसिक ट्रेनिंग बच्चों को अच्छे से देते हैं। हाँ, उनका फीस भी नॉर्मली है, आप नॉर्मल उनको अफोर्ड कर सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एकदम बेसिक है, जिसको ज़्यादा कुछ नहीं आता, वो उनके पास जाइए। मैं अपने पास आने के लिए इसलिए आपको इनडायरेक्ट मना कर रहा हूँ, आना चाहे तो आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो ट्रेनिंग का लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड का होता है और थोड़ा पेनफुल ही होता है और थोड़ा मेरा फीस भी ज़्यादा है। तो अगर उनके पास जाइए, अगर उसके पास समझ नहीं आता तो आप आइए मेरे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे पास थोड़ा सा जगरा इतना स्ट्रांगली है, आपका शरीर भले स्ट्रांग नहीं है, आप अगर मोटे हैं पतले हैं उससे दिक्कत नहीं रहता, आपका ब्रेन स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ माहौल बहुत अच्छा है जहांगीर पुलिस ग्राउंड में, बहुत ज़्यादा सुविधा यहाँ पर, और भी कोच है यहाँ पर, आप कहीं भी है छत्तीसगढ़ में यहाँ पे आके सीख सकते हैं, यहाँ पे आपको गद्दा मिल जाएगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर यादव सर है, अच्छी खासी एकेडमी उनकी, आप यहाँ पे ज़रूर आइए। और भी एक दो यहाँ पे कोच सर है जो यहाँ पे सिखाते हैं, उनका नाम शर्मा सर भी है, तो वो भी अपना क्लास ले रहे हैं, आप उनके पास भी जा सकते हैं, ठीक है गाइस। और रही बात
और एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में अपना आप अपना टेस्ट सीरीज लेना स्टार्ट की कर दीजिए किसी भी टीचर के अंडर में, और अपना फिजिकल का भी टेस्ट हर 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में आप लेते रहिए, ठीक है। जिसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, ओके गाइस। और ये चोट का ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, और अपना अच्छा सा ग्रुप बनाइए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। इस समय आप किसी भी प्रकार के जो निगेटिव लोग होते हैं उनसे आप दूरी बना कर चलिए, ठीक है। फिजिकल में हल्की सी बात करते हैं, यहाँ पे फिजिकल में बोलते हैं कि सर स्पाइक चलेगा, स्पाइक आपका जहाँ तक अभी तक के मैं देखा नहीं कि स्पाइक चलेगा, सॉरी स्पाइक नहीं चलेगा, लॉन्ग जंप में आपका स्पाइक चलेगा। क्योंकि चिप्स, क्योंकि 100 मीटर में क्या होता है पुलिस भर्ती में आपका चिप सिस्टम होता है, तो चिप सिस्टम क्या है आपके पैर में लगे रहता है, तो उसके कारण जो नेल्स में थोड़ा दिक्कत आता है, तो उसके कारण ना स्पाइक नहीं देते, तो आप लॉन्ग जंप में स्पाइक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप शॉर्ट पुट में हार्ट में एक पट्टी आती है उसको बांध लीजिएगा ताकि आपकी कलाई थोड़ा सा मजबूत हो जाए, ठीक है। लॉन्ग जंप में आप नॉर्मल, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, नॉर्मल आप नंगे पाव भी हाई जंप मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जूता पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी कोई कंकड़ पत्थर या खिला आपके में घुस सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाई जंप का समस्या है कि हाई जंप रेत में होगा कि गद्दे में होगा। लास्ट टाइम बिलासपुर को छोड़ के रायपुर और दुर्ग में सब जगह गद्दे में हुआ था, तो आप अगर आसपास ग्रुप बनाए गांव देहात के लोग होंगे तो आप वहाँ पर एक आध गद्दा या पैरा को ले कर साड़ी में अपना गद्दा बना सकते हैं और वहाँ पे अपना पेटी शुरू कर सकते हैं, ओके गाइस। तो और हम सोचे कि यहाँ पे पुलिस ग्राउंड में एक पुलिस भर्ती जो प्रोसीजर होता है वहाँ पर 5 इवेंट का हम फिजिकल कराएंगे। अगर आपको करना हो तो आप कमेंट्स करिए, अभी सोचे है बस। लेकिन अगर आप लोग आना चाहे पूरे छत्तीसगढ़ से, तो हम सेम जो भर्ती प्रोसीजर होता है ताकि आपका जो डर होता है वो हट जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।